अस्सलाम वालेकुम, ये इन्फ्लेशन, पेट्रोल बम, ये सब चीज़ें क्या हैं जिनका आजकल बहुत चर्चा है और हर पाकिस्तानी इससे किस कदर इफ़ेक्ट हो रहा है ये आप सब जानते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं मॉल में जाऊं और मैं लोगों से पूछूं कि वो उसको किस तरह से ले रहे हैं, जो उन पर इफ़ेक्ट उसका कितना हुआ, उनकी ईद की शॉपिंग पे कितना उसका इफ़ेक्ट हो रहा है और वो ईद की शॉपिंग किस तरह से कर रहे हैं। तो आए लोगों से हम पूछते हैं। महंगाई तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इंसान को समझ ही नहीं आती, सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा नहीं हो रहे, नहीं बढ़ रहे, पेज नहीं बढ़ रही और पेट्रोल की कीमतें हवा में जा रही हैं, आसमान में जा रही हैं। और इसके साथ साथ जो है आप देखें, रमज़ान गुजरा है, उसमें जो अशियाए खुदनोश होती हैं उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। अब ईद का मौका है, ईद के मौके पे भी ज़ाहिर है हर चीज़ महंगी हुई है। और भी सारा मुझे तो खाली खाली लगा, अंदर भी लोग नहीं हैं, ज़ाहिर है लोग महंगाई से परेशान हुए हुए हैं, समझ नहीं आ रही कि इन चीज़ों में किस तरह मैनेज किया जाए, किस तरह ओवरकम किया जाए इन प्रॉब्लम्स को। तो दिन ब दिन ज़ाहिर है हर आपको हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल की कीमतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से तमाम अशिया की कीमत ज़ाहिर है बढ़ती है, किराया बढ़ जाता है और खाने पीने की चीज़ें हर चीज़ पर, और साथ साथ टैक्सेस भी बढ़ रही हैं। तो जी ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए भी सरवाइव करना। और जो हम तो फिर भी अच्छे थोड़े से मिडिल क्लास लोग हैं, जब हमारे लिए थोड़ी सी इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो जो थोड़ा सा हमसे नीचे लोग हैं तो उनका सोचें कि वो क्या किस तरह मैनेज करते होंगे। तो हमें एहसास हो रहा है कि वो कितनी मुश्किल से गुजर बसर करते होंगे इस महंगाई के दौर में, क्योंकि हमारे लिए भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं यहाँ आया था कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ शॉपिंग करने के लिए मैं आया था यहाँ पे। तो फील ये हुआ कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेल नहीं है, उसकी मेन पर्पज़ शायद इन्फ्लेशन है, क्योंकि इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री में हो तो उसकी परचेजिंग पावर ड्रॉप हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और सेल्स टैक्स इंक्रीज हुआ है। तो जो मेरे ख्याल से मिडिल क्लास, इवन मिडिल क्लास, लोअर क्लास से लोअर क्लास, मिडिल क्लास जो है उनको भी इफेक्ट किया बहुत ज़्यादा। लाइक इन्फ्लेशन की वजह से उनके डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं, सिर्फ शॉपिंग नहीं है, नीड्स जो जिनको नीड्स, वांट्स एंड फिर डिमांड्स की बात की जाती है, या बेसिक नीड्स जो हैं, आई थिंक वो भी परचेस करना बहुत मुश्किल हुआ है इस टाइम मिडिल क्लास के लिए। अपर मिडिल को भी कह सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास बहुत इफेक्ट हुई है, क्योंकि उन्होंने वाइट कॉलर भी रखना होता है और तो पाकिस्तान के जो पर कैपिटा इनकम है वो भी ड्रॉप हो चुकी है। सॉरी टू से, पहले मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन चाइना जो इंडिया है उसके साथ हमारा जो कंपैरिजन था पर कैपिटा इनकम का अप्रॉक्स को $100 के करीब था। अभी आप डिफरेंस देखें तो पाकिस्तान इस टाइम जा रहा है $1653 पर कैपिटा इनकम आई थिंक, और इंडिया अप्रॉक्स को 2400 क्रॉस कर चुका है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो इसके पीछे बहुत कुछ देखना पड़ेगा और अल्लाह करे कुछ बेहतरी आ जाए पाकिस्तान में। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे 2-3 साल हालात ठीक नज़र नहीं आ रहे पाकिस्तान के, और यही हालात रहे। सॉरी टू से, हल क्या समझते हैं? हल तो सिर्फ एक ही है, या ऑब्वियसली इलेक्शन जोन के थोड़ा सा इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। हिस्ट्री में आप देखें जब इलेक्शन जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, डॉलर भी ऊपर जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन लॉन्ग टर्म देखा जाए तो ये सलूशन है। इसके अलावा सलूशन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, और ये न्यूट्रल होकर मैं बात करूँगा कि इलेक्शन होने चाहिए, आप ये नहीं कह सकते मैं प्रो पीटीआई हूँ, लेकिन इसका सलूशन एज ए इकोनॉमिस्ट देखा जाए तो मैं तो यही बताऊँगा कि प्लीज़ इलेक्शन की तरफ आएँ, पाकिस्तान के सलूशन देखें, पाकिस्तान के बेनिफिट्स को देखें, ये पर्सनल जो गर्जीज हैं उनको निकाल दें प्लीज़। थैंक यू बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ये बताएं कि आप महंगाई का कहाँ तक, इन्फ्लेशन का कितना असर पड़ रहा है? महंगाई का, वालेकुम सलाम, आपकी महंगाई का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, बहुत ज़्यादा, हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कस्टमर आते हैं 50-100 की चीज़ है, इससे भी इतनी बार्गेनिंग करते हैं, कहते हैं कि ये क्या है, इसमें इतना रेट क्यों तेज़ हो गया, हमें मजबूर है यहाँ पर क्योंकि हमें भी बहुत महंगी पड़ती है। उस हिसाब से देखा जाए तो बच्चों की चूड़ी है, हमें खुद 80 की 100 की पड़ती है, हम 120-150 की देते हैं, फिर भी कस्टमर इतराज़ करता है इस पर।